2024 की शुरुआत हो चुकी है और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे किस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और धूप नदारद थी, मगर आज साल का पहला सोमवार है 2024 का, आज एकवा महीना 2024 और आप देखेंगे सड़कों पर किस तरीके से खिलखिलाती धूप निकली है और कहीं ना कहीं इस खिलखिलाती धूप ने लोगों को बहुत ज़्यादा आराम दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आज नए साल के जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है, हर कोई अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर से बाहर निकला है, पिकनिक मनाने गया है, दूर दराज गया है और मंदिर जा रहा है, मगर इस खिलखिलाती धूप ने आप सोचे जो कड़ाके की ठंड थी उसको कम किया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार नोएडा एनसीआर के तमाम इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, शीतलहर हवाएं चल रही थी, कोहरा जमा हुआ था जिसके कारण लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। मगर अगर आज की बात करें तो आज सोमवार के दिन आप देखेंगे नोएडा के तमाम इलाकों में आपको ये सुनहरी धूप देखने को मिल जाएगी। एक तरफ हवा तो ज़रूर चल रही है मगर इस हवा को जो रोकने में पूरा फायदा एक तरीके से जो सूर्य देवता हैं जिन्होंने सुबह से ही लोगों को दर्शन दिए हैं, क्योंकि देखिए साल का पहला सोमवार है, तमाम जो लोग हैं परिवार के साथ कोई मॉल गया होगा, कोई पार्क गया होगा, पिकनिक मनाने गया होगा, तमाम ऐसे लोग जो बाहर घूमने गए थे उनके लिए ये धूप बहुत एक अच्छा बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, शीतलहर हवा चल रही थी, जो टेम्परेचर था वो सुबह के वक्त 7 से 8 सेल्सियस पहुंच जाता था, मगर आज की बात करें तो आज अभी जो नोएडा में टेम्परेचर है वो 14 सेल्सियस टेम्परेचर है और उसके साथ ही साथ धूप के लिए तो कहीं ना कहीं नए साल के दिन इस धूप का हर कोई आनंद ले रहा है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा।